said any word. दोस्तों मैं नए वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ नागपुर में और ये नागपुर का पहला एक्सपीरियंस हमारा रहेगा मेट्रो का, जो कि मेट्रो स्टेशन आपको गड्डी गोदाम मेट्रो स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं। कैसे आप आएंगे और क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे मेट्रो ले सकते हैं और कैसे मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये है गड्डी गोदाम का मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं सामने के लोकेशन में। हालांकि दिल्ली का बहुत सारा मेट्रो वीडियो हमने बनाया जो कि आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, लेकिन आज हम नागपुर मेट्रो में चढ़ने वाले हैं और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आपको। साथ साथ में कैसे मेट्रो लेते हैं, किस तरीके से बैठ से, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अभी चलते हैं मेट्रो के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, ये है गड्डी गोदाम। जब आप आएंगे तो नीचे में आपको ऐसे मिल जाएगा, ऊपर ओवर ब्रिज गया हुआ है जो कि रोड गया हुआ है, उसके ऊपर में देख सकते हैं मेट्रो का बना हुआ पूरी तरीके से। और यही है गड्डी गोदाम का चौक चौराहा जहाँ से आपको मेट्रो पकड़ना है। ये सामने का लोकेशन में देख सकते हैं और ये मेट्रो बिल्डिंग है। और इधर आप देखें तो खाने पीने की सुविधा के साथ साथ में सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाता है। तो गड्डी गोदाम का अभी मेट्रो स्टेशन आपको इन करा के दिखाते हैं। ये पूरा पार्किंग एरिया है जो कि पार्किंग वगैरह यहाँ पे मेट्रो पैसेंजर के लिए पार्किंग एरिया है। सामने से गाड़ियाँ वगैरह हमेशा चलते रहती है जिसके कारण से भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी अंदर चलते हैं और आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं। यहाँ पे रोड में भी बड़ा मुश्किल है चलना यार, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। मेन एंट्रेंस गेट है गड्डी गोदाम स्क्वायर का, जो कि गड्डी गोदाम चौक कहते हैं इसे। यहाँ से आप प्रवेश ले सकते हैं मेट्रो में जाने के लिए। सबसे पहले प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पे बड़ा डेंजर जोन है। यहाँ पे आपको जब आप इन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है जो कि हमें जाना है फोर्थ फ्लोर, और फोर्थ का यहाँ पे है ही नहीं लिखा हुआ यार, कहाँ चले जाए। फोर्थ का कहाँ लिखा हुआ भाई, कहीं नहीं है। फोर्थ फ्लोर, सॉरी, ये फोर्थ फ्लोर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं मेट्रो में चढ़ने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे नीचे है, और नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको ना तरीके से जो है लिफ्ट लेना पड़ेगा, और लिफ्ट से फिर आप चौथे फ्लोर जा सकते हैं। अभी हम चौथे फ्लोर जाते हैं, आपको दिखाते हैं टिकट कहाँ मिलता है और कैसे आप बैठ सकते हैं, किस तरीके से सारी जानकारी। ये देखिए चौथा फ्लोर हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे टिकट इधर मिलता है, साथ साथ में अगर प्लेटफॉर्म जाना तो उधर। मतलब दिल्ली जैसा यहाँ पे भीड़ नहीं है, कि दिल्ली में पूरा भीड़ होता वैसा नहीं है, यहाँ पे साइलेंट मोड है। ऐसा लगे कि यहाँ पे जो है ना दिल्ली में आपको मिलता है एक टोकन, लेकिन यहाँ पे टोकन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक कूपन मिलता है नागपुर मेट्रो में जब आप आएंगे। तो देखिए इस तरीके से होता है, ये है अपना, इसमें लिखा हुआ रहता है कि सिंगल जर्नी टिकट और कहाँ से कहाँ जाना है सो, और साथ साथ में टाइमिंग लिखा हुआ रहता है। इसके साथ साथ में वैलिड अप टू, अगर हम बात करें तो 14:05 तक रात्रि तक है, यानी कि रात को तक ये टिकट वैल्यू है, रात तक हम इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको टोकन नहीं मिलता, आपको मिलता है बेसिकली ये एक जो है स्लिप टाइप से, और ये बार कोड यहाँ पे स्कैन होगा तो आपका खुल जाएगा गेट, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, बहुत खाली रहता है। दोस्तों नागपुर मेट्रो स्टेशन का पूरा जानकारी जो कि हम अभी थे यहाँ पे, हमने आपको बताया कि कैसे आप जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं यानी कि झांसी रानी की ओर, और ये गाड़ी गोदाम जो था वो गड्डी गोदाम वो था ये। तो यहाँ से अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे आपको टोकन नहीं मिलता है, अगर टिकट लेते हैं तो आपको वहाँ पे दिल्ली में जो है दिल्ली मेट्रो में टोकन दिया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। यहाँ पे देखिए पूरा साइलेंट है, कोई नहीं है, अकेले हम ही ट्रैवल करेंगे। और इसके साथ साथ में ये कूपन मिला है, इसको स्कैन कीजिएगा तो आपका गेट खुल जाएगा, देन आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर यहाँ पे आपको कार्ड लेना है, स्मार्ट कार्ड लेना है, तो उसका 150 रुपये है, जिसमें से कोई बैलेंस नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आप 100 रुपये का ऊपर से आप बैलेंस भरा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे महंगा है, अगर दिल्ली में बात करें तो वहाँ 200 रुपये लेता है, जिसमें से 150 बैलेंस भी देता है, 50 रुपये कार्ड का लेता है, लेकिन यहाँ पे महंगा है। तो यहाँ पे हमें ये मिला है जो कि अभी 11 रुपये का हमने कटवाया है, 11 रुपये का कटवाया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जाना है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 यही है खपरी कड़े की ओर, पता नहीं यहाँ थोड़ा दूसरी टाइप से लिखा हुआ है। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1-2, तो अभी हम खपरी कड़े की ओर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पे जो लिफ्ट वगैरह है वो भी बंद है, अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको क्या चीजें हैं। तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ये मेट्रो आ चुकी है, और पूरा साइलेंट है, पूरा दूर दूर तक अगर आप देखें ना तो पूरी तरीके से साइलेंट है, कोई नहीं बैठा हुआ है। लेकिन अभी इसी में हम बैठेंगे, नारी शक्ति, ये देखिए छोटा सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोगी होंगे लगभग, ये खुल जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से खुलने के बाद आप यहाँ पे इस तरीके से बैठ सकते हैं, हालांकि बहुत ही तो
देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ये मेट्रो आ चुकी है और पूरा साइलेंट है, पूरा दूर दूर तक अगर आप देखें ना तो पूरी तरीके से साइलेंट है, कोई नहीं बैठा हुआ है। लेकिन अभी इसी में हम बैठेंगे। नारी शक्ति, ये देखिए छोटा सा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोगी होंगे। ये चल गई है तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं रहता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा मेट्रो स्टेशन, नागपुर का मेट्रो। देखिए बहुत ही कम लोग ट्रैवल करते हैं और मेट्रो भी छोटा सा चलता है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं चलता, अनाउंसमेंट किया जाता है। जिस तरीके से दिल्ली में आपको मैप मिलता है मेट्रो के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे मैप लगा हुआ है, कौन सी कहाँ पे जा रही है मेट्रो वो पता चल जाएगा आपको। देखिए अभी यहाँ पे गई है तो जहाँ पे जाएगी ना वहाँ पे ये जो है ग्रीन लाइन का सिग्नल आ जाएगा और इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कहाँ जा रही है ये मेट्रो, वो देखते हैं। अभी 0 माइल पहुँचने वाली है उज्जवल एयरपोर्ट साउथ, न्यू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लाइन भी यही गई हुई है, एयरपोर्ट भी आप इससे जा सकते हैं। तो देखिए मेट्रो के अंदर आपको बैठना है, मेट्रो के अंदर ऐसे बैठने की सुविधा रहती है दोनों साइड में, साथ साथ में यहाँ पे पकड़ने की भी सुविधा रहती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आपको सीट आराम से कंफर्ट होकर निकल मिल जाएगा, साथ साथ में ये बाहर का पूरा व्यू देख सकते हैं। हालांकि जाली टाइप से लगा दिया गया, अगला स्टॉपेज में हम आपको दिखाते हैं कैसे खुलता है और कैसे आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरा जानकारी था गड्डी गोदाम का, जो कि हमने दिखाया आपको मेट्रो स्टेशन कैसे होता है। मेट्रो के नीचे ये अभी ऊपर में मौजूद है, नीचे में आपको बहुत सारे जो है गाड़ियां वगैरह मिल जाएंगी गड्डी गोदाम के लिए, अगर यहाँ से अन्य जगह पे आपको जाना है तो। साथ साथ में मेट्रो के अंदर कैसे आना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप अंदर आएंगे, लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आपको टिकट लेना है, टिकट लेने के लिए आपके पास पैसे होना चाहिए, उसके बाद आप एंट्री करेंगे, इस तरीके से टिकट मिलेगा, ये बारकोड दिखाना है, वहां अंदर जाएंगे, वहां से आपको 2 प्लेटफॉर्म मिलेंगे, 1 और 2, जो कि जिस साइड पे आपको जाना उस साइड पे आपको पकड़ना है मेट्रो और फिर पकड़ के आप जा सकते हैं। अलग अलग मेट्रो, अलग अलग 1, 2, 2 प्लेटफॉर्म है। 2 की ओर जब आप जाएंगे तो एयरपोर्ट की ओर जो जाती है वो मेट्रो सीधा जाती है एयरपोर्ट लास्ट, तो आप एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं गड्डी गोदाम से। और गड्डी गोदाम के नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑटोज वगैरह मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आपको मंगलवारी बाजार वगैरह पास पड़ता है, साथ साथ में यहाँ से आपका जो अंजुमान कॉलेज है वो आपका पास पड़ेगा, अंजुमान इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये सारा आप ट्रैवल कर सकते हैं और यही मेट्रो का मेन है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म होता है नागपुर का। थोड़ा सा अलग है, दिल्ली से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये दिल्ली से अलग है लेकिन जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा एंड फिर आप रेगुलर इसी पे जान जाएंगे। थोड़ा मैप जो है समझने में दिक्कत होती है, चूंकि पहली बार हम भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे भी समझने में दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक दो बार जब आप ट्रैवल करेंगे तो सारी चीजों को आप जान जाएंगे और फिर से आप ट्रैवल करने लगेंगे। तो ये है नागपुर का पूरा दृश्य जो कि इस तरीके से है। 2-2 मिनट में यहाँ पे मेट्रो आती है, 2-3 मिनट में आपको मेट्रो यहाँ पे मिल जाएगी जब कभी भी आप आएंगे, 1-2 मिनट में बहुत सारे मेट्रो आती है, 2-5 मिनट वेट करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा भीड़ नहीं रहता है, ज्यादा भीड़ नहीं रहता है इसी कारण से यहाँ पे आपको ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से है, यहाँ पे लिफ्ट भी लगाया गया, लिफ्ट के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, इस तरीके से जगह जगह पे लिफ्ट है जहाँ से जिसके माध्यम से आप पहुँच सकते हैं और फिर यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पूरा जानकारी था नागपुर मेट्रो स्टेशन का, कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं।